आज का ये जो व्लॉग है एक वीकेंड व्लॉग है जहाँ पे मैंने यू नो सेकेंड डे का कंटिन्यूएशन भी ऐड किया है। ये एक हॉलीडे रूटीन का व्लॉग है, मतलब इट वाज समर ब्रेक और मैं ये जो व्लॉग है इसे ज़रा लेट पब्लिश कर रही हूँ क्योंकि हम ज़रा होम शिफ्टिंग में बिजी रह गए थे, सो आई कुडंट रियली फाइंड टाइम। ये जो हमारा समर ब्रेक है कैसा रहता है इसके ऊपर ही मैंने आज यू नो एक कंटेंट रेडी किया है कि शक्ति इट इज़ नॉट ईजी टू यू नो मैनेज किड फाइव लेस देन फाइव ईयर ओल्ड किड जो होते हैं उनको ये छुट्टी के दिन में मैनेज करना बोले तो माई गॉड इट्स अ बिग हेडेक। ऊपर से मेरे जो हाउस हेल्प है उनकी भी तबीयत ख़राब थी तो शी वॉज ऑन लीव और ये घर का काम भी देखते देखते मैनेजिंग माई सुपर एक्टिव डॉटर हैज़ ऑल्सो बीन अ बिग टास्क। तो यूजुअली ऐसे होता है कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो शक्ति विल ऑलवेज बी क्लोज टू मी, वो यू नो कहीं दूसरे रूम में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो ये मैंने एक छोटा सा गद्दा डाल दिया था एंड शी वॉज सिटिंग एंड डूइंग सम बाइजूज ऑन दैट। हमारा मोस्ट ऑफ द डे यू नो जो छुट्टी के दिन में रहता है इट इज़ ऑल फन फील्ड एक्टिविटी, हम ज़्यादातर जो खेल खेल में पढ़ाई होती है वैसे ही कर लेते हैं, अभी और कर भी क्या सकते हैं, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन बिकॉज उनको इतना एक्टिव रहना है उतना हम एनर्जी यू नो उतना एनर्जी तो मुझ में नहीं रहता है कि मैं फ़िज़िकली उतना उसके साथ खेल पाऊँ, तो मैं थोड़ा फिज़िकली खेलती हूँ और थोड़ा उसको बैठा कर यू नो जो उसका माइंड यूज़ करके कुछ जो एक्टिविटी कर सके वो करती हूँ। ऐसे में ये जो बाइजूस है मुझे ये काफ़ी हेल्पफुल लगा, काफ़ी सारे लोगों को बाइजूस से लेके नेगेटिव रिव्यूज़ है कि ऑफकोर्स बाइजूस में थोड़े फ्लॉज भी है दैट ऑल्सो आई अग्री, बट कंपेरेटिवली आई एम अ पर्सन कि मैं ये देखती हूँ जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आए आई ट्राई टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट, ऐसे ही सोच के हमने भी ये बाइजू स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली ये टैब को लेके थोड़ा इश्यू होता है एंड देन देर इज़ दिस प्रॉब्लम यू नो कम्युनिकेटिंग विद टीचर, उनको लाइन पे पकड़ना भी कभी कभी यू नो इट बिकम्स अ टास्क। और कुछ वर्कशीट्स है जो यू नो फन फ्राइडे जैसा एक कॉन्सेप्ट होता है उनका जहाँ पे उन लोग ईमेल कर देते हैं वर्कशीट्स, वो हमें खुद प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग कि मुझे थोड़ा यू नो दैट इतना बड़ा हमने किट के लिए पेमेंट किया है दे कुड हैव इंक्लूडेड इन दैट, बट वो वर्कशीट्स जो होते हैं वो हमें खुद ही कलर प्रिंट कराने होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो एवरीथिंग इज़ अप्रिशिएटिंग इन दिस क्योंकि शक्ति का जो पूरा टाइम है वो थोड़ा स्क्विजी मैट खेलने में, थोड़ा कॉस्ट्यूम पार्टी खेलने में, थोड़ा वर्कशीट्स करने में, थोड़ा वर्कबुक्स करने में यू नो ऐसे ऐसे करके निकल जाता है और बाकी का जो है वो टैब में उन्होंने थोड़ा गेम्स दे के रखा है, गेम्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। Elsa and Anna have many pairs of shoes. Show them you know how to match each shoe to its pair. This matches to that. ऐसे होता है कि यू नो उसको पता भी नहीं चलता है कि उसका रिवीजन भी हो गया है और साथ ही साथ उसका खेलना भी हो गया है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड यू नो दिस थिंग। आप ये बुक जैसे आप ये बुक को देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लगता ही नहीं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको, इट इज़ काइंड ऑफ यू नो ऐसे जो EVS बुक या एक्टिविटी बुक हम देते हैं तो कितना मज़ा आता है करने में, ऐसे ही निकल जाता है। तो प्रैक्टिस का प्रैक्टिस भी हो गया, खेल का खेल भी हो गया। अगला जो ये है टीवी पे कुछ क्विज गेम्स होता है जहाँ पे यू नो दे आस्क द क्वेश्चन एंड वी हैव टू आंसर इट, तो ये जो क्विज अगर डाल देती हूँ तो इसमें भी थोड़ा एक आध घंटा उसका निकल जाता है एंड दिस इज़ ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस आई थिंक आप एंड दिस इज़ वेरी कॉमन, मतलब ऐसे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, जस्ट पुट इट ऑन टीवी एंड लेट देम आंसर इट। तो ये भी कैसा है वन ऑफ द ईजी टास्क है जहाँ पर यू नो वी मदर्स हु आर फीलिंग वेरी टायर्ड कि बच्चे के साथ पूरे टाइम हम फिजिकली खेल ना पाते हैं, उनके लिए दिस कुड बी अ बेटर ऑप्शन कि यू नो उनके ब्रेन को एक्टिव रखे, बट ब्रेन को इतना भी एक्टिव नहीं करा देना है कि यू नो वो भी भारी पड़ सकता है, तो मॉडरेशन में होना चाहिए।
यहाँ पे उसका थोड़ा दिस इज़ नॉट कंटिन्यूटी, ऐसे कंटिन्यूएशन में नहीं खेलती है शी। अभी कुछ टाइम उसने बायजूस किया है तो उसके बाद थोड़ा कुछ टॉय खेलेगी या फिर कुछ टीवी का एक्टिविटी किया है या यू नो टैब का एक्टिविटी किया है, तो उसके हर एक्टिविटी के बाद उसका कुछ ब्रेक रहता है। वो ब्रेक में वो थोड़ा कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स देखेगी या यूट्यूब वीडियोज़ देखेगी। एवरीथिंग इज़ इन ऑल, सब कुछ। ऐसे नहीं कि पूरे टाइम पढ़ाई में ही रहना है, प्रैक्टिस में ही रहना है, ऐसा नहीं है। तो कुछ टाइम ये मैं तब देती हूँ जब मुझे किचन में काम होता है या मुझे कपड़े सुखाने होते हैं या मुझे लॉन्ड्री करना होता है या यू नो एनी अदर क्लीनिंग वर्क और प्रेपिंग वर्क जो कुछ भी होता है, वो टाइम में मैं ये उसको ऐसे थोड़ा रख के जाती हूँ किसी एक्टिविटी में। तो दिस इज़ वन थिंग, यही है जो वो वर्कशीट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। दिस वर्कशीट इज़ समथिंग वी हैव टू गेट इट प्रिंटेड आउट। अगर ये वाली चीज़ भी बायजूस ने अलॉन्ग विद द यू नो अदर जो बाकी के बुक्स होते हैं वो हमें डोर डिलीवरी मिल जाती है। ये जो है एक विंटर वेयर शू है जो हम यूजुअली घर पे पहनते हैं। जब हमने इसे खरीदी थी तब ये उसका फेवरेट था, ये हर जगह पे इसको पहन के जाना पसंद करती थी, बट इसे ऑब्वियसली बाहर नहीं पहन सकते। तो ये क्या हो गया, छोटा पड़ गया अगैन नाउ। ऐसे भी जो ऐसे टाइप के शूज़ होते हैं जो फैब्रिक फजी शूज़ होते हैं, ये अगर पीछे के साइड से अगर टाइट होता है तो यू नो वन बेस्ट आइडिया इज़ कि पीछे के साइड को कट करके निकाल दिया जाए एंड यू नो यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू वेयर इट। यहाँ पर इसे मैंने कट कर दिया है पीछे से एंड जस्ट उसे धो कर दिया है, इट इज़ फिट एंड फाइन। अगेन रात का टाइम हो गया था, मुझे डिनर बनाना था एंड जब मैं कुछ करती हूँ यूजुअली ऐसे होता है कि शक्ति मुझे इमिटेट करती है, तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ हो रहा है। मैं वहाँ पे ज़रा पराठे वगैरह रेडी कर रही थी एंड शक्ति भी थोड़ा टीवी एंड टैब सब साथ में न जाने रख के क्या उसका इन्वेंशन चल रहा था पता नहीं। हमेशा ऐसे होता है कि मैं मेरा लैपटॉप जो है वो कहीं ना कहीं कोई भी कॉर्नर ऑफ द हाउस में चालू रहता है पूरा दिन, क्योंकि मुझे कहीं पे भी 10 मिनट का भी गैप मिल जाता है तो दैट इज़ द टाइम वेयर आई सिट एंड डू माय यू नो अदर वर्क। दिस इज़ डिनर, हम साबुदाना खिचड़ी और स्प्राउट्स लेने वाले थे डिनर के लिए एंड ऑफकोर्स शक्ति तो ये सारी चीज़ें भूखे रह जाएगी बट बिल्कुल टेस्ट तक नहीं करेगी, तो उसके लिए मैंने पालक के पराठे बनाए थे। एक बार जब शक्ति का खेल के हो जाता है तब घर का क्लीनिंग जो होता है वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मुझे ऐसे लगता है कि इट इज़ इक्वल टू सम वन ऑफ द ह्यूज टास्क ऑफ द हाउस। और मेरा जो एक क्रॉनिक बैक पेन है इसको लेकर मैं ज़्यादा टाइम कंप्यूटर में भी टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हूँ, मुझे खड़े रह के खाना बनाने में भी तकलीफ़ होती है, बिकॉज जो स्टैंडिंग टाइम होता है स्टैंडिंग पीरियड वो थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो देन अगेन माई बैक पेन स्टार्ट्स ट्रिगर हो जाता है अगेन। देन शक्ति के साथ बैठ के खेलना एंड देन उसके जो भी उसके पूरा घर यू नो स्टार्ट से लेकर एंड तक इंक्लूडिंग द वॉशरूम्स वहाँ पे तक टॉयज होते हैं, एवरीथिंग टू गेट इट क्लीन एंड टू पुट इट बैक इन इट्स प्लेस यू नो मुझे तो इट रियली मेक्स मी सो टायर्ड कि मुझे नेक्स्ट दिन के लिए मोटिवेशन ही नहीं रहता। या सो नेक्स्ट ये जो पालक पराठा है हमें इसे थोड़ा स्टिकी बनाना चाहिए क्योंकि और जो पालक प्यूरी है उससे हमेशा जो हमारा फ्लावर होता है आटा होता है उसको इक्वल रखना चाहिए। अगर हमने ज़्यादा डाल दिया और उसके ऊपर थोड़ा पानी ऐड करके हमने वो पराठे बनाए तो वो पराठा का टेस्ट नहीं रहेगा, तो ऐसे में हमको एक और सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगर वो जो पालक प्यूरी और जो आटा है वो अगर इक्वल मात्रा में रहे, थोड़ा स्टिकी होगा डो बट इफ़ यू कंटिन्यू टू नीड इट, उसको आप ज़रा नीडिंग करते रहेंगे तो थोड़ा सा जब उसका ग्लूटेन रिलीज हो जाएगा तो इट विल बिकम सॉफ्ट, तो जस्ट टू मच स्टिकीनेस से चला जाएगा। ये पराठा विल स्टे सॉफ्ट टिल नेक्स्ट डे, ट्रस्ट मी। यहाँ पे बर्ड हाउस को कलर करते करते शक्ति को एक बात याद आई, हमारे जो टेरेस में है रोज़ रात को दो चिड़िया आती है बैठने के लिए एंड अभी इनके लिए बर्ड हाउस बनाने के लिए मुझे बहुत इंसिस्ट कर रही थी, तो अभी इस वीडियो में हम वो भी शेयर कर रहे हैं कि हमने कैसे एक बर्ड हाउस रेडी किया जो वो यू नो विजिटिंग बर्ड्स हैं उनके लिए। Oh,
वो बर्ड्स जिसके बारे में मैं बता रही थी, ये जो फिंचेस है आई थिंक फिंचेस के कैटेगरी में आते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली फिंचेस, क्योंकि इनकी जो बीक है ज़रा लॉन्ग है, और ये हर रात को एग्जैक्टली 8 o'clock यहाँ पे आ जाते हैं। एंड देन यू नो यहाँ पे हमारे टेरेस में बहुत चूहा घूमता है, तो आई वॉज अफ्रेड कि यू नो कुछ झगड़ा झगड़ी ना हो जाए, तो इसके लिए हमने एक बर्ड हाउस डाल दिया है। आई होप दे लाइक इट, अगर उनको पसंद आता है तो विल गेट टू नो दैट ऑल्सो। सो सिंस दिस वॉज ए वीकेंड, हम ज़रा यू नो ऐसे नाइट टाइम में बाहर निकल गए थे ज़रा ऐसे ही राउंड मार के, एंड शक्ति वॉज इंसिस्टिंग टू बाई बर्ड्स। उसको अभी यू नो जब वो बर्ड्स सुबह उठ के चले जाते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है, यू नो ऑल दोस बच्चों वाला पेट अटैचमेंट होता है। तो सबसे पहले हमने फिश ली थी, और अभी ये जो बर्ड्स हैं इनको भी हम घर ले आए। सो दिस इज़ अराउंड नेक्स्ट डे इवनिंग, हम एज़ यूजुअल वीकेंड में वी आर ऑलवेज आउट। दिस इज़ बेलापुर जेटी। जब से ये बेलापुर में जेटी आया है आई बीन हियरिंग अ लॉट अबाउट इट, तो हमने सोचा कि विल गो एंड सी हाउ इट इज़। बट पानी का लेवल यहाँ पे कम था बिकॉज ऑफ द सीज़न, एंड वी वेंट फॉर अ बोट राइड, एंड आई विश टू गो, मतलब मैं एक बार अलीबाग डेफिनेटली जाना ट्राई करूँगी, बट क्योंकि मुझे डर लगता है, थोड़ा पानी का फोबिया काइंड ऑफ है, सो ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद द किड मुझे डबल फोबिया हो जाएगा। तो आई विल सी, यू नो देयर इज डेफिनेटली इट इज़ ऑन द प्लान कि मुझे कभी एक बार इसमें जाना है बोट राइड पे, फॉर यू नो थोड़ा पर्टिकुलर डिस्टेंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल कम हो गया है, तो उसकी वजह से यू कैन सी ऑल यू नो द क्रीक इज़ शोइंग अप, एंड इट इज़ वेरी इजी। यहाँ का प्रोसेस इज़ लाइक यू नो देर इज़ अ पर्टिकुलर टाइमिंग, एंड उसी टाइमिंग में एंड उस वेदर कंडीशन वगैरह बराबर रहता है तो ही दे अलाव यू इन दिस बोट राइड। एंड इट इज़ बेटर कि हम वो सनसेट को देखने के लिए वो टाइम में जाएंगे ना, तो इट विल बी नाइस। इट इज़ बेटर कि हम वो जो सनसेट टाइम होता है ना उसको अगर हम कंसिडर करके जाएंगे तो इट विल बी गुड, अदरवाइज यू नो थोड़ा डार्क हो सकता है, दूर दूर का दिखाई नहीं दे सकता है, एंड यू नो ऑल दोस स्टफ़। तो यहाँ पे मुझे लगा कि हम एकदम एग्जैक्ट टाइम पे गए थे, तो ये जो टाइम था हम सेकंड स्लॉट पे गए थे, तभी जाके हमको थोड़ा यू नो एवरीथिंग दिखाई दे रहा था। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेट होकर आए थे, आई वाज वंडरिंग कि ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे अभी कैमरा में तो उसे बिल्कुल कैप्चर नहीं करने हो रहा है, हमारे हाथ में तो बाइनोकुलर्स थे हम उससे देख पा रहे थे, बट देवर लाइक ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड टन्स एंड टन्स क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ बर्ड्स है, एंड दैट वॉज ऑल्सो अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। हमें लगता है कि ऐसे तो बर्ड्स ही तो है, इसमें क्या है, बट राइडिंग इन दिस बोट एंड वॉचिंग दैट यू नो बर्ड्स एकदम इतने एकदम झुंड में खड़े थे, इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस। हमने यहाँ पे करीबन आई थिंक 7-8 डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड स्पीशीज देखे। मैंने तो पहली बार सीगल को लाइफ में यू नो आई हैव सीन इन नेचर, एंड फ्लेमिंगोज, ओ माई गॉड, हमेशा नवी मुंबई में यू सी एवरीवेयर फ्लेमिंगो का स्टैचूज है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट विथ माई यू नो ओन आईज इन रियल नेचर, इट वॉज वेरी नाइस। इतने सारे पिंक 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 डॉट हियर एंड देयर वॉज नाइस, देर वर सो मैनी डक्स ऑल्सो हियर एंड देयर, काफ़ी कुछ बर्ड्स थे उसमें, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता है। इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो फिश कैचर्स थे उनको तो अटैक करके हमेशा बर्ड घूमते ही रहते हैं, एंड वो उनको कैसे टैकल करते हैं, एवरीथिंग शक्ति गॉट टू सी, इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हर ऑल्सो। हर एक चीज़ मेमोरेबल होता है, तो यू नो यू शुड एक्सपीरियंस ऑल स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग कहीं पर भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। सी यू विथ अनदर कंटेंट, तब तक के लिए टेक केयर।